एक गैर मुस्लिम है और इंडिया से उर्दू जानते हैं, समझते हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या इस्लामी रियासत में हमें अपने मजहब की तबलीग की और अपनी इबादतगाहों की तामीर की इजाजत होती है? अगर होती है तो फिर सऊदी अरेबिया में और दूसरे इस्लामी मुल्कों में चर्च बनाने की परमिशन क्यों नहीं मिलती, जबकि आप मुसलमान लंदन और पेरिस में अपनी मस्जिदें बनाते हैं? चंद इस्लामिक मुल्कों में, मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया एटसेट्रा में, प्रोपगेशन ऑफ एनी अदर रिलीजन इज प्रोहिबिटेड। इवन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। और इसमें कई कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि हम जब आपको अलाउ करते हमारे कंट्री में पाते, यूरोप में आते, अमेरिका में आते, तबलीग करते, मॉस बनाते, तो हमें क्यों नहीं परमिशन है? इसका मैं सिंपल सवाल पूछता हूं कि मैं गैर मुसलमान से ये पूछता हूं, अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और अगर आप मैथ टीचर चुनना चाहते हैं और तीन टीचर आते हैं, एक टीचर से आप सवाल पूछे दो जमा दो कितना, पहला टीचर कहता है कि दो जमा दो तीन, दूसरा टीचर कहता है दो जमा दो चार, तीसरा टीचर कहता है दो जमा दो छह। तो मैं ये उनसे पूछता हूं, वो टीचर जो कहता है दो जमा जो तीन या दो जमा दो छह, क्या आप उसको स्कूल में रखेंगे? तो वो कहते नहीं। लच्चू, आप उसको पढ़ाने देंगे? बोलते नहीं पढ़ाने देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसे मैथमेटिक्स का सही इल्म नहीं है। इसी तरीके से जहां दीन का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान जानते हैं कि इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत 19 के आते कि सिर्फ एक ही सही दिन है, वो है इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत 85 में क्या इस्लाम के अलावा कोई भी दिगर मजहब अल्लाह सुबहाना ताला कबूल नहीं करेंगे। तो दीन के मामले में हम जानते हैं इस्लाम ही सिर्फ सही दीन है, इसीलिए हम दूसरे दीन का प्रोपगेशन अलाउ नहीं करते। यहां तक कि दूसरा सवाल है कि हम चर्च बनाने देंगे या टेम्पल बनाने देंगे, जब दीन ही गलत है और चर्च में ईसा अलैहिस्सलाम को पूजना गलत है, बुत परस्ती गलत है, इसीलिए हम गलत चीज हमारे मुल्क में अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ सऊदी अरेबिया और चंद ममालिक है, सब मुस्लिम कंट्रीज का नहीं। ये थोड़ा सा बात जो है, यानी वो तो समझ रहे हैं कि उनका मजहब ठीक है जी, और हम भी समझ रहे हैं कि हमारा मजहब ठीक है, गैर मुस्लिम समझ रहे हैं उनका मजहब ठीक है। अब लोगों के सामने जाहिर है कि उनको आके एक समझ लीजिए बात जी, मैथ्स के अंदर वो गैर मुसलमान 2+2=3 पढ़ाने देंगे ने अपने स्कूल में, क्योंकि वो कन्फर्म्ड है कि 2+2=4 ही है। तो दीन के मामले में हम कन्फर्म नहीं, कन्फर्म नहीं। अगर वो कन्फर्म होते तो गलत चीज क्यों पढ़ाने देंगे हम? उसी तरीके से हम जब रूल कर रहे हैं कौन सी कंट्री, हमें 100% पता है कि इस्लाम के अलावा दिगर मजाहिब सही नहीं है। यहाँ कोई ह्यूमन राइट्स का मसला, कोई ऐसी बात, ह्यूमन राइट्स का सवाल नहीं। हाँ, अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है मुस्लिम कंट्री में, अपने घर में प्रॉब्लम, प्रोपगेट नहीं कर सकता। इसी तरीके से कोई टीचर अपने दिमाग में सोचता है 2+2=3 तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बच्चे लोग को पढ़ाएंगे तो हम इसको बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं करेंगे कि हमारे बच्चों का पढ़ाओ 2+2=3। इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लोग माहिर है, हम साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए लोग को बुलाते हैं, अमेरिका से, यूरोप से आओ हमारे मुल्क में, साइंस और टेक्नोलॉजी में आप माहिर है, हम आपसे सीखेंगे। लेकिन दीन के मामले में हम माहिर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से जहां तक के उनका सवाल है, उन्हें अभी तक के इतना दे आर नॉट कन्फर्म डेट, सो वी आर ट्राइंग टू गेट देम टू द राइट पार्ट ऑफ इस्लाम, देयरफॉर वी प्रोपगेट आवर रिलीजन टू द नॉन मुस्लिम्स।